Next topic is relations of Mughals with other rulers. It is very important to create healthy relations with other rulers also. So let's see which kind of relations Mughals have with other rulers. So when Humayu had escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. Means we can say they had a good relation. So when Humayu had escaped, this we have discussed to when apni life save kan nekili to Hindu ruler. अमरकोट के पैलेस पे अकबर का बर्थ हुआ था हिंदू रूलर्स ने उन्हें प्रोटेक्ट किया देयर फॉर देयर कल्चर वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ब्रिंगिंग ऑफ अकबर एंड फ्रॉम दैट टाइम ओनली बिकॉज अकबर का बर्थ ही हिंदू पैलेस में हुआ सो वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदूज्म इन ब्रिंगिंग द अकबर मीन्स अकबर के जो भी आर्किटेक्चर बने या फिर उसके रॉयल कोर्ट की बात करें सो वी कैन गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदूज देयर

therefore he maintained good relations with the rajput rulers and won their confidence isliye akbar ne rajput rulers ke sath acche relations maintain kiye उनका कॉन्फिडेंस जीता कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास द रूलर्स Who did not accept his authority has to face him and from the beginning only we came to know and I have told you so many time that earlier the same thing was there if any people or any king did not accept the authority jo king ke king hai uska kaha nahi मानते हैं तो what happened he had to face him means उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है तो so, same thing here also happened अकबर की जो अकबर की supreme authority accept नहीं करते थे उनको face करना पड़ता था the rulers of Sisodaya rajputs did not accept his rule and had many confrontation with him sisodya rajput jetho unhone akbar ka rule accept nahikya and continuously they have to face akbar नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस मीन रीति रिवाज द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सक्सेसर ऑफ द किंगडम एंड इट वुड यूजली बी द ओल्ड एज सन तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को राजा राजा बनाया जाता था ड्यूरिंग द मुगल रूल ऑल द सन्स वुड गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द एम्पायर एंड मुगल रूल के टाइम पे जितने भी बेटे होते थे तो उनको इक्वल एम्पायर का शेयर मिलता था दिस काइंड ऑफ हारैक ही वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द हमायूं रेन थ्रोन एंड इस प्रकार का रूल हुमायूं के रूल के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ करता था उसके बाद बच्चे आपस में लड़ते थे कॉन्स्पायर मीन्स सो सुसियर आफ्टर दैट रूलर्स कॉन्सपायर मीन्स षडयंत्र करते थे अगेंस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन किसके लिए करते थे थ्रोन को पाने के लिए वो मींस जो राजगद्दी मुकुट को पाने के लिए आपस में लड़ते थे ब्रदर्स वुड क्वारल विथ वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हु एवर वोन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली ब्रदर्स आपस में लड़ते थे थ्रोन के लिए एंड इस युद्ध में जो जीतता था वो राजा बन जाता था कहाँ का राजा दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मुगल पीरियड सो सूबेदारी अकबर डिवाइडेडम इंटू फिफ्टीन सेक्शन अकबर ने अपने किंगडम को फिफ्टीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया इच सेक्शन वॉज नोन एज द सुबह और प्रोविंस मीन्स जो फिफ्टीन पार्ट के एक एक पार्ट होंगे उसको सुबह कहा जाता था द सब सेक्शन ऑफ सुबह वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज पारगाना सो सुबह एंड आफ्टर द सब सेक्शन वॉज कॉल गवर्न ट का जो सबसे पारगना कहा जाता था देड ऑफ ईच पारगना वॉज कॉल्ड आमिर हु वु कलेक्ट द रेवेन्यू जो पारगना का हेड था उसे आमिर बोलते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे रेवेन्यू मीन्स टैक्स देर व gram panchayats in villages and the head was known as patel chaudhry Mukaddam etc thus during that time various executives were appointed even gram panchayats were also in existence so the head of the villages were known as patel chaudhry mukadam etc even today also we are able to hear this kind of names and various executives were appointed for management for the villages ड्यूरिंग अकबर रेन पिलग्रेम टैक्स वॉज नॉट लिव्ड अकबर के टाइम पर पिलग्रेम टैक्स मीन्स जो यात्रा करने आते थे वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था दस देर वुड भी ह्यूज क्राउड्स इन द पिलग्रम सेंटर और तो जिस प्लेस पे टिकट लेके जाना है वहाँ कम लोग जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स नहीं था तो जो पिलग्रिम सेंटर है वहाँ पे ह्यूज क्राउड्स देखने को मिलते थे अकबर वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बेनिवोलेंट किंग अमंग ऑल द मुगल रूलर्स टॉलरेंट मींस काइंड एंड एंडर हेल्पर किंग अमोंग द मुगल रूलर सो वी कैन से अकबर वॉज मोस्ट काइंडेस्ट एंड हेल्पर किंग ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज रिलीजियस मीट्स इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी सिक्री एक प्रेयर हॉल था वहाँ पे वो वो कंटीन्यूसली रिलीजियंस मीटिंग मीन्स धर्म से रिलेटेड मीटिंग्स अरेंज करता था इट वॉज ऑल्सो डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर्स व डिस्कस्ड देयर and that prayer hall is also known as religions hall because generally the things or discussions were on the basis of the religions representatives from all religions attended the meeting Wuh muslim the but it was not like that the muslim attend the meeting but all religious representatives like hindu christian etc sub meeting attend karsak द रॉयल कोर्ट वॉज एडॉन बाइ स्कॉलर एंड उनकी जो कोर्ट थी वो स्कॉलर से भरी हुई थी सो वी कैन सेट द जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट सो देर वर नाइन जेम्स इन अकबर कोर्ट फर्स्ट तो दर्मल द रिवेन्यू मिनिस्टर मीन्स टेक्स्ट करने वाला धनमान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी देर आर थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स इन दिस आर्मी देन अबुलफल द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ आइन अकबरी एंड अकबर नामा दैन तानसिन द फेमस सिंगर यू ऑलरेडी नो अबाउट तानसेन देन मुला दू प्याजो द क्लेवर एंड जॉली कोटियर बहुत ही क्लेवर और हसमुख कोटियर थे महेश दास बिरबल द क्विक विटेड कोटियर एंड ट्रिक्सटर वो थोड़ा बिरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास था उनको तो बिरबल को तो आप जानते ही हो दैन कम्स हमाम द फेमस वैद्य फिजिशियन दैन फाइजी द रिनाउंड पोट एंड देन लास्ट अब्दुल रहीम द हिंदी वर्स राइटर ड ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनका हेड था बक्सी वेजिलेंस ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे देन कम सादराजिलेंस ऑफिसर हू लुक्स आफ्टर रिलीजियस डोनेशन चैरिटेबल फूड एक्सेट्रा रिलीजियस डोनेशन चैरिटेबल फूड को देखते थे देन कम काजी ही वॉज अ जज देन फौजदार हेड ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हेड थे Court 12, the executive officer who looks after law and order. Then Mare Bahar, controller and tax collector at ports, octroi, boards, etc. Fit Senapati. Senapati Konte the leader of the royal army. Or also the head was usually the king himself. Now see on page number 32. This is the picture of the Royal Court of Akbar. Reforms made by Sersha. Shah was the head of the Suri dynasty. He was known as the reformers. So let's see what reforms he had made. Reforms means changes. Shah ruled over Delhi for five years. Shah ne Delhi me five years the rule. Kia. So within these five years, which reforms were made by him? So let's see. He introduced many reforms during this short span and is therefore better known as reformer than warrior. फाइव ईयर्स के शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए एंड इसलिए उसको वॉरियर के नाम से नहीं बट रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है विथ तोदरमल्स हेल्प ही प्रिपेर अ टेबल फॉर रिवेन्यू कलेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन तोरमल वॉज वन ऑफ द जेम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर पहले ऐसा था कि उन लोगों को जैसे समझ में आए वैसे टैक्स कलेक्ट करते थे पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेर शाह तो तोदरमल की हेल्प हो लेके उन्होंने एक टैक्स कलेक्शन टेबल बनाया विच वॉज ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शन कैसी लैंड है कितना प्रोडक्शन होता है उसके बेस पे उन लोगों ने टेबल प्रिपेयर किया अब तक क्या था भले जितना भी प्रोडक्शन हो यू हैव टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ रुपीज फ्रॉम हियर वी कैन सी द रिफॉर्म्स मेड बाय शेरशाह अकबर फॉलो द सेम मेथड फॉर रिवेन्यू कलेक्शन शेरशाह के बाद वन ईयर हुमायूं एंड देन अकबर थ्रोन पे आता है एंड तो दर्मल ने टेबल प्रिपेयर किया था तो अकबर ने भी सेम मेथड यूज किया ही रिमूव द टोल बुट्स सो देट देर वुड सॉरी देर कुड बी फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह ही रिमूव टोल बुट्स मीन्स जो टैक्स कलेक्शन बूथ थे वो सारे निकाल दिए सो वॉट हैपन देयर कुड बी अ फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड उसकी वजह से हर जगह पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन होने लगे फॉर गुड्स ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स टू इंक्रीज अ ट्रेड फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन अमॉन्ग विच द फेमस रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मीन्स व्यापार करने के लिए उन्होंने रोड्स बनाए एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रांड ट्रंक रोड एंड द फेमस रोड्रक्टेड बिटवीन आगरा एंड बरहानपुर आगरा एंड मारवाड़ लाहौर एंड मूलान ही ऑल्सो प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ दाइड्स ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज इवन ही प्लांटेड द ट्रीज ऑन बोथ दाइड मीन्स ये रोड बनाया ग्रांड ट्रंक रोड उसके दोनों साइड ट्रीज प्लांटेशन करवाए एंड रेस्ट हाउस भी कंस्ट्रक्ट करवाए ही हैड सेट अप मिंट हाउस टू मिनट सिल्वर कॉइंस यूनिफॉर्म इन वेट मिट्टाउस मीन्स पिघालने के लिए हाउस बनाएं मीन्स जो सिल्वर कॉइंस है वो सेम वेट के बनाए ऐसा नहीं कि एक फाइव ग्राम का एक टू ग्राम का ऑलवर इन अूनिफॉर्म

ये उनका रूल था ड्यूरिंग हिज रेन कोटवाल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्टिंग क्रिमिनल्स कोटवाल्स पे थे मीन्स लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने वाले तो वो रिस्पॉन्सिबल थे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए शेर शाह वॉज हिमसेल्फ वेरी एक्टिव एंड मोटिवेटेड अदर्स टू बाय कीपिंग दैम बिजी एट वर्क शेर शाह खुद बहुत एक्टिव थे एंड दूसरों को बिजी रखते थे वर्क पे नेक्स्ट टॉपिक इज चित्स ऑफ ब्रेवरी चित्तौर इज अम ऑफ प्लेस सिचुएटेड इन राजस्थान तो उससे ब्रेवरी की टेल्स कनेक्टेड है सो लेट्स स्ट्रगल्स बिटवीन मुगल्स एंड द सिसोडिया राजपूत एस वी हैव सीन देर सिसोडिया राजपूत ने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था तो कंटिन्यूसली एंड फ्रीक्वेंसी स्ट्रगल वी कैन सी बिटवीन मुगल्स एंड सिसोडिया राजपूत द द करेजियस सिसोडिया राजपूत वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुगल सुप्रीमेसी एंड सो फॉट अगेंस्ट अकबर बोलली एंड ब्रेवली जो सिसोडिया राजपूत थे वो मुगल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे एंड उसकी वजह से कंटिन्यूसली अकबर एंड उनकी फ़ाइट होती रही अमोंग ऑल द वॉरियर्स महाराणा प्रताप ब्रेवरी स्पेशली नोटवर्दी सिसोडिया राजपूत के वॉरियर्स में से महाराणा प्रताप की ब्रेवरी नोटवर्दी है अमोंग द रूलर्स ऑफ द सिसोडिया डायनेस्टी महाराणा प्रताप वॉस द वन हु फॉट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूसली टिल डायनेस्टी के रूलर्स में से महाराणा प्रताप एक ऐसे ब्रेवकिंग थे जिन्होंने अकबर के साथ कंटिन्यूसली फाइट की वो भी एंड तक सिंस अकबर वॉन्टेड टू सेटअप हिज रूल इन मेवार देर वारे बैटल्स फॉर बिटवीन मेवार एंड डेली अमॉन्ग विच द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज कंसिडर टू बी लैंडमार्क बैटल they have fought continuously with each other akbar rajasthan may apna rule set up Kanna and on the other side maharana pratap was not ready to accept his supremacy, so what happened, and therefore both were engaged in battles and Yeari battles may say Khaldigati have a most important battle thi. Akbar had a huge, well-equipped army with modern weapons, cannons, gunpowder in sufficient numbers, and artilleries. Akbar Kepa's huge and well-equipped army. Thi. With modern weapons means hathiyar, cannons means tow, gunpowder in sufficient numbers. Whereas Maharana Pratap had the advantage of his chivalrous Rajput warriors who lived in the forest and were therefore used to fighting wars in. सवार महाराणा प्रताप के पास घोड़े सवार थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, वो हिली एरियास में फाइट करते थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत हेल्प की दिस सॉरी देर जस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सोल्जर्स हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट लैक्स ऑफ मुगल सोल्जर्स मुगल के यहाँ एक लेक, वन लैक सोल्जर्स थे तो जो चिवलरस राजपूत थे दे हैड ओनली ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी मुगल की आर्मी फाइव टाइम्स ग्रेटर थी थी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड मार्टियर डम एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन हल्दीघाटी के बैटल में महाराणा प्रताप एंड उनके हॉर्स चेतक शहीद हो गए एंड वो हम नहीं भूल सकते चेतक वॉज स्पेशली ट्रेंड फॉर बैटल्स चेतक को स्पेशली बैटल्स के लिए ट्रेनिंग दी गई थी इन द बैटल फील्ड चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप कमांड्स जैसे महाराणा प्रताप कमांड देते थे वैसे चेतक बैटल फील्ड में मूव करता था वैन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक मीन्स वो हाइएस्ट पोजिशन पे थी तब चेतक एक्टेड अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप इंस्ट्रक्शन एंड जम्प हाई टू रीच अप टू द मुगल सेनापति हु वॉज सिटेड ऑन हिज एलिफेंट जब हल्दीघाटी का बैटल हाइएस्ट पोजिशन पे था तब चेतक ने महाराणा प्रताप के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए एंड मुगल सेनापति जो एलिफंट पर बैठा था उसको रीच करने के लिए चेतक ने हाई जम्प किया अ नोट वर द इंसिडेंट इज वन वेर राणा प्रताप थ्र यू एस पी और एट द सेनापति बट ही वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ द हाउ डो एक नोट इंसिडेंट था राणा प्रताप ने एयर भाला फेंका सेनापति को मारने के लिए बट वो बच गया। सच इंसिडेंट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी which were noteworthy. नॉट ओनली द example ऑफ चेतक एंड महाराणा प्रताप बट सो many इंसिडेंट वर there इन द बैटल which were noteworthy. इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एज वी हैतक को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई थी तो व्हाट है तब चेतक अपनी बैग पे उनको बिठा के बैटल फील्ड से लेके जाते हैं